आप ये कह के बच नहीं सकते हैं कि वो आवारा थी, बदचलन थी। ये बहुत आसान काम है कि आप उसके चरित्र पर सवाल उछाल दो। 13 किलोमीटर तक कैसे कोई आदमी घसीटा जा रहा है? आप चप्पे चप्पे पर तैनात थे तो क्या आप तमाशा देख रहे थे? हम लोगों का यही डिमांड है कि दिल्ली पुलिस और जो भी प्रशासन के लोग हैं, इस मामले में जिस तरह से मीडिया के जरिए भी नई नई कहानियां गढ़ी जा रही है, तमाम तरीके से उस जो इस कांड में जो पीड़ित हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के चरित्र पर दोषारोपण करके आसानी से जो है बच निकलने का, या मतलब सजा भी हो दोषियों को तो वो कम से कम हो, इसकी कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की लीपापोती बंद की जाए और जो भी दोषी हैं, चाहे वो मनोज मित्तल स्थानीय भाजपा नेता हो या और भी जो लोग इसमें शामिल हैं, उन सभी लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, इस पर लीपापोती बंद की जाए। 18 टीम लगा दी है हमने, जांच हो रही है, देखिए। हाँ, कुछ चीजें तो एकदम कन्फर्म है, सामने है, उस पर बहुत लंबा आपको जांच करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस की भी एक गलती है इसमें कि सामने एक व्यक्ति उसको देख रहा था कि घसीटा जा रहा है, उन्होंने 18 से 20 बार फोन किया, सामने से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। तो ये दिल्ली पुलिस की भी संवेदनहीनता है, जो भी अधिकारी समय पर जो है वहाँ कार्यवाही नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, उन लोगों को भी तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। तत्काल उनसे पूछना चाहिए कि आप ड्यूटी पर कर रहे मौजूद थे या मटर गश्ती कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि नए साल पे तो चप्पे चप्पे पे हमने पुलिस डिप्लॉय किया था सर। हाँ, तो 13 किलोमीटर तक कैसे कोई आदमी घसीटा जा रहा है? आप चप्पे चप्पे पर तैनात थे तो क्या आप तमाशा देख रहे थे? तो ये पुलिस का फेलियर मानते हैं आप? बिल्कुल, ये प्रशासनिक लापरवाही है। जैसे हम लोग अभी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, तो पूरी पुलिस आकर के सामने खड़ी हो जाती, अच्छी बात है, लेकिन आप वहाँ भी खड़े दिखिए ना, तो हम यहाँ खड़े नहीं दिखेंगे। पर इस बात के लिए आप जहाँ आपको होना है वहाँ आप होते नहीं है, लेकिन तो हम क्या, लोग क्या वो जो लोग हैं राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, इसलिए गोल गोल पूरे मामले को घुमाया? बिल्कुल बिल्कुल, दबाव में है पुलिस प्रशासन। बिल्कुल, पुलिस के ऊपर भी दबाव है, प्रशासन के ऊपर भी दबाव है। तो इसीलिए जब तक नागरिक समाज, छात्र, नौजवान, जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, आप भी इंसाफ पसंद साथी हैं, जो भी चाहते हैं कि यह अन्याय हुआ है, अब कहते हैं कि वो होटल बुक करके पार्टी मना रही थी, आजाद देश है तो सब को उछाला जा रहा है। हाँ, तो वो आप, ये तो सबकी आजादी है ना, आपका काम है कि आप सुरक्षा सुनिश्चित करो। आप ये कह के बच नहीं सकते हैं कि वो आवारा थी, बदचलन थी। ये बहुत आसान काम है कि आप उसके चरित्र पर सवाल उछाल दो। लोग कह रहे हैं कि इतनी रात में क्या करने गई थी वो, लड़की की गलती है। हाँ, ये तो बहुत आसान चीज है, आप जो जिनके ऊपर ये हुआ है उन्हीं को आप दोष मत दो और बाकी सारे लोगों को जो है मतलब जो है निर्दोष का सर्टिफिकेट दे दो। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और जो दावे होते हैं सरकार के, पुलिस के, महिला सुरक्षा को लेकर, उनकी तो धज्जियां उड़ जाती हैं। धज्जियां उड़ जाती है और भारत जो है अभी विश्व में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बन गया है, यूनेस्को के रिपोर्ट के अनुसार। हम लोग लगातार बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण की। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किले से बोलते हैं कि महिलाओं का जो है हमें इज्जत करना चाहिए। ये इज्जत है, ये एक सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा है, ये एक 20 साल की लड़की या उस परिवार की बात नहीं है। हम आप जैसे तमाम जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो इंसानियत में बिलीव करते हैं, जो आज़ादी में बिलीव करते हैं, उन सारे लोगों के ऊपर ये तमाचा है और हम सारे लोगों को बोलना पड़ेगा तो सरकार के सामने। सुरक्षित नजर आ रही हैं आप? देश की राजधानी में ये हाल है, दिल्ली में ये असुरक्षा का आलम है, तो पूरे देश में आप कल्पना कर सकते हैं। ये तो मामला सामने आ गया है, बहुत सारे मामले तो सामने भी नहीं आ पाते हैं, जो है गुमशुदगी में दम तोड़ देते हैं। तो इस घटना के खिलाफ हम लोग आज ये प्रतिवाद कर रहे थे। जो उनकी दोस्त है निधि, वो भी कटघरे में खड़ी है उनके बयानों से, वो भी उनको छोड़ के चली जाती हैं, कुछ किसी को बताती नहीं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो दोषी है तो। जितने सारे लोग भी इस मामले में, ये आपको एक्सीडेंट लगता है या पूरा षड्यंत्र रचता है, कहानी है पूरी रची हुई है? अब देखिए, अटकलबाजी करना हमारा आपका काम तो है नहीं। जो है मामला, जिस तरीके से हुआ, इतना तो
पूरा तरह से पता चल ही जाता है कि नहीं होना था ये घटना। एक तारीख को जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी तो एक परिवार जो है तड़प रहा था, अपने एकमात्र कमाने वाली एक जो बच्ची थी घर की उसको खो करके तबाह बर्बाद था, उसके दुख का कोई अंत नहीं था। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं गरीब परिवार या फिर उस समुदाय से लोग आते हैं तो उनके साथ जो कंपेंसेशन दिया जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं भेदभाव नजर आता है। हाँ ये तो होता ही है, भेदभाव होता है आमतौर पर। जब केजरीवाल दूसरों को 1 करोड़ रुपए देते हैं, इनके लिए 10 लाख की घोषणा करते हैं। हाँ देखिए, रुपए पैसे से मतलब जिंदगी की कीमत नहीं तय की जा सकती है। करोड़ भी दे दे तो वो कम है जिंदगी के आगे। जिंदगी जो है किसी का भी नहीं छीना जा सकता, किसी को ये हक नहीं है। सहारा तो होता है ना, देखिए दूसरों को एक फौरी तौर पे कुछ कह सकते हैं कि होता है, लेकिन जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। भेदभाव भी तो नजर आता है लेकिन मामलों में। हाँ ये तो आप देख सकते हैं, सारे लोग देख सकते हैं। अच्छा अभी कंझावला का इतना बड़ा मैटर सामने आया था, उसके बाद अभी मध्य प्रदेश की 10 साल की बच्ची के साथ जो रेप किया है जिसने, वो भी भाजपा नेता निकल के आ रहा है। तो ये भाजपा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है और फिर ऐसे रेप मामलों में भाजपा के ही नेता सामने आते हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये तो मतलब आप सही कहे, इससे पहले भी इन्होंने कठुआ में जब हुआ था 6 साल की आसिफा के साथ, तो उन बलात्कारियों को बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं। मतलब ये पूरा तरह से ढोंग है, पाखंड है, मतलब पूरी तरीके से सरी गली हुई एक ऐसी मानसिकता है इन लोगों के भीतर। अब कोई नेता संसद विधानसभा में बैठ करके जो है पोर्न वीडियो देखते हैं तो इनके मानसिकता का अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितनी गिरी हुई, कितनी सरी हुई, मवाद भरी इनकी मानसिकता है। लोगों को भी इनके चरित्र को समझना होगा। अच्छा अभी जो महिला सुरक्षा की आप बात करें, महिला सुरक्षा के मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग और चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग हो, उसकी रेखा शर्मा जी तो बिल्कुल सामने ही नहीं आती है। एक बार को महिला आयोग की स्वाति मालीवाल जो मामले टीवी पे आ जाते हैं तो सामने भी आ जाती हैं, इनको कैसे देखते हैं कि क्या इनकी जिम्मेदारी होनी नहीं चाहिए राष्ट्रीय महिला आयोग की? बिल्कुल जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि ये सारी चीजें खाना पूर्ति करने जैसा कोई बॉडी बन करके रह गया है। सत्ता और सरकार से जुड़े हुए लोग जैसे ही इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो ये लोग भी किनारा कर लेते हैं। एक तरीके से सत्ता का नियंत्रण यहाँ पर भी दिखता है, ये भी चीजें साफ हो रही।